सुलही ना मिले जिससे वो सास बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हमराज बदल डालो, दुश्मन के इरादों को अगर करना है नाकाम तुम चाल वही चलो, अंदाज बदल डालो, ऐसा करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। आप दूसरे को कह रहे हैं कि आप इंटॉलरेंट हो रहे हैं, आप बीजेपी को कहते हैं, आरएसएस को कहते हैं, यहाँ पर आप अपनी बात नहीं सुन सकते, तो हमें बात करनी होगी मुसलमानों की, हमें इस बात को कहना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है तो वो मुसलमानों के साथ हो रही है। आज जो धर्म संसद के नाम पर कभी उत्तराखंड के अंदर, कभी उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी जंतर मंतर पर, कभी दिल्ली के अंदर जिस तरह से जो आग उगला जा रहा है, जो दूसरे लोग आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये क्या कानून के खिलाफ नहीं है? क्या हमारी लीगल सेल इसके लिए काम नहीं कर सकती? हम लोग लड़ रहे थे और लड़ेंगे, अपनी आइडियाज से लड़ेंगे, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। सऊदी के अंदर जाकर रिलायंस ग्रुप अपना शेयर खरीद सकता है उनकी कंपनी के अंदर, तो क्या हमारे हमारे मुल्क के जो बड़े दानिश्वर मुसलमान हैं, जो पैसे वाले मुसलमान हैं, क्या वो किसी मीडिया हाउस से, छोटे मीडिया हाउस है, उनके अंदर 10% शेयर नहीं ले सकते? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया कि बोलने का मौका मिला, और मैं विक्टिम नहीं हूँ और मैं डरा भी नहीं हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे वो साथी भी नहीं डरे हैं जो अभी फिलहाल जेल में हैं, अगर आपको देखना है तो कल कोर्ट आ जाइएगा, कल कोर्ट में सब मिलेंगे आपको, तो बहरहाल हमारा कोई भी साथी नहीं डरा है और हम लोग विक्टिम नहीं हैं, हम लोग लड़ रहे थे और लड़ेंगे, अपनी आइडियाज से लड़ेंगे, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। एक शेर है कि सुलही ना मिले जिससे वो सास बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हमराज बदल डालो, दुश्मन के इरादों को अगर करना है नाकाम तुम चाल वही चलो, अंदाज बदल डालो, ऐसा करो हिम्मत कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। जरूरत है कि आज हम लोग एक साथ बैठे हैं, कहा जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होगी, कोई रिलीजन इस तरह का कोई जो है वो सेंटिमेंट नहीं रहेगा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। मैं एक देखना चाहूंगा कि हमारे तमाम लोग यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और दाढ़ी टोपी भी है, तो यानी रिलीजन से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक है, और तमाम लोगों का ताल्लुक रिलीजन से है। अगर हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर आज मुसलमानों को मारा जा रहा है तो सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, तो हमें बात करनी होगी मुसलमानों की, हमें इस बात को कहना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है तो वो मुसलमानों के साथ हो रही है। अगर आप खामोश रहेंगे तो यकीनन आप कहीं ना कहीं दबाए जाएंगे। हम लोग एज ए स्टूडेंट इस बात को कहने की कोशिश की कि हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, और उसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से जहां खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, उसी सरजमीन से एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसमें हमारी सबसे आगे माए और पहले पढ़कर आई और शाहीन बाग का क्याम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग इतना कामयाब हुआ कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर आज भी शाहीन बाग का नाम लिया जा रहा है। तो जरूरत है कि जब आप तमाम लोगों को त्रिपल तलाक से प्रॉब्लम है, जरूरत है जब आप तमाम लोगों को लव जिहाद से दिक्कत है, जब आप तमाम लोगों को जो है मुसलमानों को मुसलमानों के मॉब लिंचिंग से दिक्कत है, तो यकीनन आप तमाम लोग इसी दर्द के साथ बैठे हैं यहाँ, क्योंकि आज आप लोगों को दिक्कत है। फिर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम यहाँ पे मैं मुसलमान जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की काम करेंगे, मैं ये कहता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों के ऊपर इतना बर्डन है कि वो अपने आप को जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उनसे रोके, वो अपने आप को जो जिन बहनों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है उनके हुकूक को दिलाने की काम करे। हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन बचाना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को तब बचाएंगे जब हमारे साथ हमारे वो तमाम लोग आएंगे जिन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, जो तमाम लोग इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो तमाम मजहब के मानने वाले लोग अगर इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे। अगर मुसलमानों को मारा जाएगा तो पहले मुसलमानों को बचाने की कोशिश करेंगे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग बात करते हैं कि दूसरे लोग समाज में हमारी बातों को सुनते नहीं, टॉलरेंट नहीं है। अरे हम लोग कितना टॉलरेंट है ये देखो, यहां जब कोई आ रहा है बोलने के लिए, कोई भी आ रहा है, अगर मैं आ रहा हूं
तो यहां से अगर मैं कोई बात अगर अच्छी कर रहा हूं, आपको अच्छी लगती है आप लीजिए, नहीं अच्छी लगती है आप मत लीजिए। आप दूसरे को कह रहे हैं कि आप इंटॉलरेंट हो रहे हैं, आप बीजेपी को कहते हैं, आरएसएस को कहते हैं, यहां पर आप अपनी बात नहीं सुन सकते चाहे कोई भी हो। हम लोग बात यहां पर आके मिल्लत की करते हैं, कौन सी करते हैं, फिक्र में बैठते हैं और एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। हम जब इस प्लेटफॉर्म पर एक नहीं हो सकते तो माजद के साथ ऐसी मीटिंगों का कोई मतलब नहीं होगा। मैं बहुत खुल के बोलता हूँ और बड़ा खड़ा बोलता हूँ, ठीक है। तमाम लोग मुझसे सीनियर हैं और अदीब भाई तो हमारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जो निजामत कर रहे हैं, आजम बेग साहब, वो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर रहे हैं। मैं तो सबसे जूनियर हूँ यहाँ पर, शायद जितने लोग भी यहाँ पर गेस्ट होंगे उनमें सबसे जूनियर मैं हूँ। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम एक नशिस्त के तहत चले, एक बेहतर ढंग से चले और लोग एक दूसरे की बात को सुने। देखिए इस वक्त जो हालात है हमारे कम्युनिटी के, मुसलमानों के, खासतौर से पूरे मुल्क के अंदर, किसी से ढके छुपे हुए नहीं है कि हमारे क्या हालात हैं। एजुकेशन में हम कहां पे लाई कर रहे हैं, जॉब्स में हम कहां पर हैं, सिविल सर्विसेज में हम 2-3% पे हैं, रेलवेज में हम 7-8% पे हैं, सब लोगों को ये बात मालूम है। लेकिन बात आज यहाँ हो रही है एक सॉल्यूशन की, बात हो रही है कि एक फासिस्ट रिजीम जो है वो सरकार में है, फासिस्ट लोग सरकार में है और वो लोग फासिस्ट लोग सरकार में जब होते हैं तो वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं। वो जिस तरह से कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये जो सीए और एनआरसी का प्रोसेस है, ये इसको भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सफूरा जरगर भी आए, उन्होंने भी बोला, आसिफ इकबाल तना थे, सब हम लोग संघर्ष के साथी रहे, एक साथ हम लोगों ने संघर्ष किया। इस चीज को हमें ऐसे भी समझने की जरूरत है जो दूसरी कम्युनिटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर भी इस बात को हर बार हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, अपनी कम्युनिटी के अंदर भी इस बात को हमें बताने की जरूरत है कि हमारे ये मसाइल है तो इनके सॉल्यूशन के, सिर्फ हम मसाइल को डिस्कस नहीं करें बल्कि एक सॉल्यूशन के साथ। और आज जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। और जो विजन डॉक्यूमेंट मैंने देखा, मैं उस पर एक मिनट और बोलना चाहूंगा कि विजन डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियरली बात की गई है कि एक लीगल सेल तैयार हो, मीडिया सेल तैयार हो। इससे पहले भी कई कोशिशें की गई, मुझे अच्छे से याद है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक मीटिंग हुई थी सीए एनआरसी के दौरान और वहां पर भी कुछ डिस्कशन हुए थे इसको लेके कि एक लीगल सेल बने और एक मीडिया सेल बने। लेकिन मैं माजर के साथ आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं, 2019 में वो मीटिंग हुई थी, एंड ऑफ 2019, और आज हम 2022 मई में बैठे हैं, उस पर कुछ भी नहीं हो पाया। तो अगर आज यहां से अगर हम उठे तो एक एक इरादे के साथ उठे, एक प्लानिंग के साथ उठे कि हाँ हमारा मीडिया सेल होगा, हमारा लीगल सेल होगा। और लीगल सेल का काम क्या होगा, लीगल सेल के काम अगर एफआईआर कराने के हैं तो देश भर के अंदर हमारे लॉयर्स होने चाहिए, हर स्टेट में 2-4-5 लॉयर हो जो एफआईआर हो। आज जो धर्म संसद के नाम पर कभी उत्तराखंड के अंदर, कभी उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी जंतर मंतर पर, कभी दिल्ली के अंदर, जिस तरह से जो आग उगला जा रहा है, जो दूसरे लोग आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये क्या कानून के खिलाफ नहीं है? क्या हमारी लीगल सेल इसके लिए काम नहीं कर सकती? तो हम ऐसा लीगल सेल बनाए, हम ऐसा लीगल सेल बनाए जो लीगल सेल इन तमाम इश्यूज को लेकर उन पर एफआईआर करे। बेशक मुझे मालूम है कि इस वक्त जो सरकार वहां पर बैठी हुई है, जो दिल्ली के अंदर सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है, या उत्तराखंड या बिहार के अंदर जो सरकारें हैं, वो आपकी एफआईआर भी दर्ज करने को नहीं रेडी होगी। लेकिन क्या हम कोर्ट 156(3) में नहीं जा सकते? सलमान खुर्शीद साहब इस बात को यहां पर रखेंगे। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके ऊपर कोई अगर एक्शन नहीं होता, लेकिन ये समझिए कि देर है, अंधेर नहीं है, आने वाला वक्त बदलेगा, उन पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क में हम लोग काम करें। और मीडिया के ताल्लुक से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई मीटिंग्स हुई है, मैंने उसको अटेंड किया है कि भाई एक मीडिया हाउसेस खड़ा करेंगे और मीडिया घराने के लोगों से जाकर मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माली एतबार से बहुत मजबूत है, उन लोगों को आगे आने की जरूरत है और जिनके पास इंटेलेक्चुअल आइडियाज हैं, जो मीडिया हाउसेस के लोग हैं, वो आए और ग्राउंड पे क्या काम कर सकते हैं। क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर अंबानी और अडानी अगर इस देश की मीडिया हाउसेस को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या हमारे कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग नहीं है जिनके पास पैसे हैं, वो कुछ मीडिया हाउसेस खड़ी कर सकते हैं? क्या वो कुछ मीडिया हाउसेस में कुछ शेयर ओन नहीं कर सकते? जब सऊदी के अंदर जाकर रिलायंस ग्रुप अपना शेयर खरीद सकता है उनकी कंपनी के अंदर, तो क्या हमारे मुल्क के जो बड़े दानिश्वर मुसलमान हैं, जो पैसे वाले मुसलमान हैं, क्या वो किसी मीडिया हाउस है, जो छोटे मीडिया हाउस है, उनके अंदर 10% शेयर नहीं ले सकते, अपनी बात नहीं रख सकते? इन मौजू पे मुझे लगता है कि और आगे बात होनी चाहिए, वक्त हो चुका है, मैं किसी तैयारी से नहीं आया था, इसलिए मुझे भी पता नहीं मैंने क्या बोला। बहुत शुक्रिया।